हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता डिटेक्टिव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इनोवेटिव बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूं। ये बिजनेस है जार कैंडल का। जार कैंडल जो है वो जनरली जो आप मार्केट में कैंडल देखते हैं उससे डिफरेंट होता है। इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप इनोवेटिव तरीके से कैंडल बनाते हैं और आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आपको कभी भी काम की कमी नहीं होगी। इसकी डिमांड शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। अगर आप इसका ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जार कैंडल का ऑनलाइन प्राइस कितना होता है। इसकी मार्केटिंग के लिए आप गिफ्ट शॉप, स्पा, होटल्स, इन सब में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जार कैंडल बनाते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि कैंडल का फ्रेगनेंस जो हो काफ़ी बेहतर हो, उसकी पैकेजिंग इनोवेटिव तरीके से करें, उसका नाम जो भी सेलेक्ट करें वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो। कुल मिलाकर ये कहें कि लोग अगर आपके कैंडल्स को देखें तो ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जार कैंडल कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी। जो जार कैंडल मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ आता है और आप उसको आराम से 200 से 400 रुपये में बेच सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जार सेलेक्ट करते हैं कैंडल्स के लिए, तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो अगर आप में क्रिएटिविटी है, आप इनोवेटिव हैं, तो आपके लिए यह बिजनेस काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़ रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। हाय, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तेजिका आनंद है। आज मैं आपको अरोमा जार कैंडल्स बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए पहले वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हमारे को चाहिए वैक्स, ये देखिए ये नॉर्मल आपकी पैराफिन वैक्स है, और हमारे को चाहिए एम्प्टी ग्लास जार्स। आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, 100 ग्राम्स के, 200 ग्राम्स के, हाफ के जी के। और हमारे को चाहिए विक, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में आती है विक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो आप इसके लिए हमें 4 नंबर की विक चाहिए। और हमारे को चाहिए सिज़र, ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर की कैंडल बना रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, लैवेंडर, एनी कलर। विक सस्टेनर चाहिए हमें उसके लिए। और हमारे को चाहिए उसके लिए पकड़ने के लिए कोई भी कपड़ा, और पोरिंग के लिए हमें चाहिए कैटल। और इससे हम बहुत ही सुंदर अरोमा जार कैंडल्स बनाएंगे। आप इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स बनाकर आप किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हैं। और आजकल तो इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है जार कैंडल्स का। चलिए, अब सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है बड़ा सा। उस कंटेनर को हम गैस पे रखेंगे और उसमें हम वैक्स डालेंगे। मेरा जो कंटेनर है ये 200 ग्राम्स का कंटेनर है और मैं आपके सामने अभी 15 कैंडल्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 3 kgs ऑफ वैक्स। ध्यान रखिएगा कि वैक्स जो आप गरम करें वो लो फ्लेम पे गरम करें, मीडियम फ्लेम पे भी आप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा धुआं ना हो। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे हमारी वैक्स को मेल्ट होने में। हम हाई फ्लेम पे इसलिए वैक्स को नहीं रखते ताकि उससे ज़्यादा धुआं ना हो। धीरे धीरे अब हमारी वैक्स मेल्ट हो रही है। जब तक हमारी वैक्स मेल्ट होती है, आइए तब तक मैं आपको धागा तैयार करना बताती हूँ कि हमें इसकी विक को हम कैसे तैयार करेंगे। गरम गरम वैक्स के अंदर हम इस धागे को डाल देंगे, ये देखिए, इसको कहते हैं विक को प्रिम करना, धागे को प्रिम करना। ये देखिए, इसको साथ साथ एक साफ कपड़े से हम पोंछते जाएंगे, दूसरी तरफ से भी हम कर लेते हैं इसको, ताकि जब हम धागा कैंडल के अंदर डालें तो हमारा जो धागा है वो स्टिफ रहे, सॉफ्ट ना पड़े। चलिए, अब ये देखिए, इसका ग्लास का आप मेजरमेंट लेंगे विक के साथ। ये देखिए, थोड़ा सा इसका जो ऊपर का फेस है उससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे धागे को,
और उसके बाद उतने साइज के हम इसमें कट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा विक सस्टेनर है। अब ये हम लेंगे, ये देखिए इसमें धागे में डाल के और प्लकर से हम इसको, ये देखिए, ये प्रेस कर देंगे ताकि ये विक को होल्ड कर ले। ये देखिए, ये हमारी विक है और ये हमारा विक सस्टेनर है। ये देखिए, इसमें हम ऐसे डालेंगे इसको और ये देखिए, अब हमारा वैक्स गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कलर डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं ग्रीन कलर का वैक्स बना रही हूँ। अब ये देखिए, इसमें मुझे लाइट ग्रीन चाहिए। कलर हमेशा, जब आपका फ्लेम ऑन होगा तभी आप इसमें डालेंगे। वैक्स का जब टेम्परेचर हाई होता है तभी उसमें कलर मिक्सअप होता है। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और इसमें मैं अब अरोमा डालूंगी। मैं इसमें अरोमा डालूंगी। ये मेरी 30 ml की बॉटल है। 1 kg में हम 10 ml अरोमा डालते हैं, तो ये मैं 30 ml अरोमा इसमें डाल रही हूँ। गैस को बंद करके मैंने इसमें अरोमा डाला है। देखिए, ऐसे तो आप डाल नहीं सकते इसे, तो हम इसे कैटल में डालेंगे। अब जितना आपको इसमें चाहिए उतना ही आप पोर करेंगे। अब देखिए, जो वैक्स हमारी यहाँ टेबल पे जो गिर गई है वो भी हमारी वेस्ट नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से हम क्लीन करके इसको वापस उस कलर में डाल सकते हैं। कुछ भी वेस्टेज नहीं है इसमें और ना ही आपकी कोई चीज़ गंदी होगी। ये देखिए, कितना स्मूथली सारी वैक्स बाहर आ गई। अब जब थोड़ा सा ये सेट होने लगेगा तब हम इसमें विक्स डालेंगे। डाल रहे हैं, ये देखिए हल्का हल्का हमारा बॉटम सेट हो रहा है और हम इसके अंदर विक्स रख रहे हैं। बस अब हमने इसको लगा दिया। अब इसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा सेट होने में, फिर हम इसके ऊपर हम और वैक्स डालेंगे। देखिए, अब हमारी कैंडल्स बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार हैं। आइए अब इस पर फाइनल पोरिंग करते हैं हम कैंडल्स में। ये सारी ड्राई हो चुकी हैं अच्छे से। उसके बाद आप उसी निशान तक आप सेकेंड पोरिंग करेंगे। ये आपकी फाइनल पोरिंग है।
विद इन 20 मिनट्स ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद हम इसको पैक करेंगे। अब सारी विक्स आप इसकी सीधी कर लीजिए। अब हम एक साफ कपड़े से सारी कैंडल्स को पोंछेंगे और इसकी लिड बंद कर देंगे ऐसे। ये देखिए बॉक्स, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि आपने कैंडल्स एक गिफ्ट बॉक्स में डाली हैं, अब गिफ्ट बॉक्स को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम उस पर एक रिबन टाई करते हैं। आप चाहें किसी भी कलर का रिबन बांध लीजिए, इसके ऊपर कोई फ्लावर लगा लीजिए ताकि और वो प्रेजेंटेबल लगे आपका गिफ्ट बॉक्स। ये रिबन बांधना बहुत इजी है। आप चाहें तो इसमें गोल्डन कलर की डोरी इसके साथ डबल करके बांध सकते हैं। ये देखिए, ये प्लेन बॉक्स है आपका, ये रिबन वाला बॉक्स है। देखिए आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि अरोमा कैंडल कैसे बनाते हैं और उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि जार कैंडल बनाने का प्रोसेस कितना आसान है। अगर आप भी यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।